अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे YouTube फैमिली मेम्बर्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ज़रलाला एक नई वीडियो और एक यूनिक कंटेंट के साथ आपके सामने हाजिर है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, मैंने एक टेबल रनर डिज़ाइन किया है जिसको टेबल थ्रो और टेबल रनर भी कहते हैं। मेरा टेबल चूँकि बड़े साइज़ का है, 3x5 का है, और इस साइज़ का टेबल रनर कोई बाज़ार से मुझे मिल नहीं रहा था, और जो मिल रहे थे उनके डिज़ाइन और कलर्स मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे थे। लिहाजा मेरे दिमाग में कुछ था कि मैं अपने ड्राइंग रूम के साथ मिलते जुलते शेड्स और मिलते जुलते कलर्स का कोई टेबल रनर ख़रीदना चाहती थी, जो कि मुझे मार्केट से अवेलेबल नहीं था। घर में थोड़ा सी तलाश के बाद मुझे ये एक जैकार्ड का पीस मिला, और इसको मैंने कैसे डिज़ाइन किया आइए डिटेल्स आपके साथ शेयर करती हूँ। जैसा कि आप लोगों को पहले मालूम होगा कि मेरे ड्राइंग रूम का, मैं अपनी बहुत सी वीडियोस में ज़िक्र कर चुकी हूँ कि मेरे ड्राइंग रूम की वॉल्स का कलर बीच और ऑफ वाइट कॉम्बिनेशन में है, और मैंने उसके साथ ये बीच और ऑफ वाइट का कॉम्बिनेशन रख के ही मैंने सोफ़े के कुशन और कवर्स ये सब डिज़ाइन किए हैं। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट किए बगैर मैं शेयर करती हूँ आपके साथ कि मैंने किस तरह से अपने टेबल रनर को डिज़ाइन किया है, और उसकी डिटेल्स इंतहाई इंटरेस्टिंग है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और एंड तक देखें, इंशाल्लाह आपको ये छोटी सी वीडियो ज़रूर हेल्पफुल रहेगी। जैकार्ड का ये एक पीस है जो कि मैंने 6 फिट का एक पीस है। थोड़ा सा ये चौड़ाई में कम था, टेबल रनर की चौड़ाई से तकरीबन को 1.5 इंच के करीब कम था, लेकिन मैंने गुजारा किया। बाज़ार से मैंने कपड़ा नहीं ख़रीदा, घर से जो था वो निकाल लिया। तो इस तरह से व्यूवर्स ये देखे, मैंने तिकोन शेप में इसके किनारों को काट के, इसके चारों तरफ तो सिलाई लगी है लेकिन एक साइड से थोड़ा सा जो सिलाई रह जाती है उसको मैंने हाथ की सिलाई से बंद कर दिया है। बंद करने के बाद मैंने ये तिकोन की जो टिप्स है इस पर खूबसूरत टसल्स लगाए हैं। ये देखिएगा जी, टसल्स की डिटेल भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बिल्कुल प्लेन सादा ये कपड़ा था जैकार्ड में, और साथ में मैंने ये जो खूबसूरत टसल हैं, टसल की डिटेल्स की तरफ आते हैं। तो ये गोटी का टसल है जो कि बिल्कुल बारीक गोटी के टसल बाज़ार से बड़े अच्छे, बड़े आसानी से अवेलेबल हैं, लेकिन इसके साथ ये जो बम्बल था ये अवेलेबल नहीं था, लिहाजा मुझे कुछ थोड़ा लंबा और टेबल थ्रो के साथ हमें टसल्स बम्बल वाले बहुत अच्छे लगते हैं, तो अलहदा से मैंने बम्बल्स ख़रीदे हैं जो कि इसको साथ मैंने मैच किया है, और बड़े अच्छे से ये मैचिंग भी हो गई है। और इन टसल्स के साथ नीचे मैंने बम्बल्स को ख़ुद ऐड कर लिया है, और ये खूबसूरत सा टसल क्रिएट हो गया है जो कि बहुत ही खुशनुमा लग रहा है। मैं इसको टेबल के ऊपर रखे हुए की तस्वीर आपके साथ शेयर नहीं कर सकी। ये देखिएगा जी व्यूवर्स, बहुत खूबसूरत ये डिज़ाइन के साथ मेरा ये टेबल रनर कम्प्लीट हो गया है, और इसके ऊपर बारीक मीना, ये जो आपको मोतियों की शक्ल का नज़र आ रहा होगा, ये मेरे एक पुराने सूट से बचा था जो कि मैंने डिज़ाइन किया था। ये आपको थोड़ा करीब से मैं दिखाना चाह रही हूँ, लेकिन वीडियो चूंकि ब्लर हो रही है इसलिए ये इस्त्री से पेस्ट होने वाला बिल्कुल बारीक मीना इसको बोलते हैं, और ये मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है। इसके साथ ही मेरी वीडियो एंड हो जाती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट इसी तरह की किसी यूनिक वीडियो के साथ और यूनिक कंटेंट के साथ हाजिर होंगी। ज़रलाला को दुआओं में याद रखिए, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब्स और शेयर करना मत भूलिए। मुझे इजाज़त दीजिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।